अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 जून 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे क्या 24 जुलाई से शुरू होगा पेपर। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अपडेट आई, एक छात्र ने भेजा कि 24 जुलाई से होगी DLED के प्रथम वर्ष की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है अभी इसको हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली में 31 जुलाई तक दोस्तों बंद रहेंगे स्कूल। तो क्या दोस्तों यूपी में स्कूल बंद नहीं रहेंगे, पेपर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आज के हम पीएनपी लेटेस्ट अपडेट देखेंगे कि 27 जून तक पीएनपी के दोस्तों लेटेस्ट अपडेट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे अब नई भर्तियों में दोस्तों खत्म हो गया है तबादले का प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में जब आपकी नौकरी लगेगी ना तो आप सोचेंगे ट्रांसफर हो जाए हमारा, तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप डबल कर दीजिए इसको, क्योंकि दोस्तों एक बार जहां नौकरी आपको मिल गई ना, मान लेते आप आगरा के रहने वाले हैं, अगर एक बार दोस्तों आपको प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर कहीं मिल गया तो आपको वही रहना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जिंदगी वही कटेगी, फिर ये मत सोचेगा कि हमारी घर वापसी हो जाए। तो ये सब चीजें अभी से आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए 29 जुलाई को प्रदेश भर में प्रस्तावित है बीएड प्रवेश परीक्षा। अगर आपके घर में भाई बहन दोस्त यार कोई भी बीएड के मतलब पेपर देने वाला बीएड का, तो उसको बता दीजिएगा कि उनका पेपर 29 तारीख को होगा। उसके बाद देखिए क्या जुलाई में पेपर हो पाएगा इसको देखेंगे। परीक्षा की तारीख क्या घोषित हो चुकी है उसको देखेंगे। मानसिक तौर पर डीएलएड छात्र परेशान, डेफिनेटली दोस्तों अगर आप एक डीएलएड छात्र हैं तो इस समय आप मानसिक तौर पर परेशान हो रहे होंगे कि यार फर्स्ट का पढ़ें कि सेकंड का पढ़ें। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे सोच रहे थर्ड का पढ़ें कि फोर्थ का पढ़ें। देखिए एक सेमेस्टर की दोस्तों जो पढ़ाई होती है ना तो वो एक अच्छी खासी होती है, ऐसा तो नहीं एक दो किताब पढ़ने काम हो जाता है। तो यहाँ 7 सब्जेक्ट, 8-8 सब्जेक्ट्स होते हैं एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो 8 विषयों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि सीटेट 5 जुलाई 2020 की दोस्तों परीक्षा रद्द हो चुकी है। एचआरडी मंत्री ने किया है ट्वीट। रद्द का मतलब दोस्तों अब ये कहिए कि परीक्षा पोस्टपोन हुई है, स्थगित हुई है, ठीक है। रद्द करने का मतलब ये होता है कि परीक्षा होगी ही नहीं, लेकिन दोस्तों जो सोशल मीडिया पर चल रहा है हम आपको बता रहे हैं, तो फिलहाल जो सीटेट का पेपर 5 तारीख को होने वाला था वो अब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले दोस्तों जो DLED का पेपर वाला बात था उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में जब आपको नौकरी मिलेगी तो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी आपको उसको देखते हैं। अब नई भर्तियों में खत्म हो गया है तबादले का प्रावधान। तो क्या है पूरी अपडेट्स? बेसिक शिक्षा परिषद ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में से मतलब अंतर जनपदीय तबादले का प्रावधान खत्म कर दिया है। शिक्षकों को स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें कभी भी अंतर जनपदीय तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। 69,000 भर्ती में भी तबादले नहीं करने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एक वैकेंसी है कि आपने सुना होगा 68,500 और 69,000 दोस्तों वैकेंसी के अभी सभी छात्रों को ज्वाइनिंग दी जा रही है मामला कोर्ट में, लेकिन इतना है कि इनको जुलाई तक नौकरी दोस्तों ये सब छात्र करते हुए आपको दिख सकते हैं, ठीक है। जुलाई में मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो देखते हैं दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको दे देंगे। उसके बाद चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं जो न्यूज़पेपर के अपडेट है उसमें क्या कहना है, कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। क्या कहा गया यहाँ पर कि 24 जुलाई से होगी DLED के प्रथम वर्ष की परीक्षा। पूरी अपडेट्स को हम देखते हैं। लिखा तो दोस्तों यहाँ DLED है, आपके कोर्स का भी नाम DLED है। 2 वर्षीय DLED करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 2 वर्षीय DLED फेज टू फेज सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 24 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित होगी। इसमें जिले में 55 परीक्षार्थियों मतलब परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वही सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष के प्रतिभागियों की परीक्षा 4 से 7 अगस्त तक आयोजित होगी। इसमें जिले भर से मतलब 70 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात लिखी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में परीक्षा का आयोजन होगा। तो ये बात अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो ये परीक्षा दोस्तों बात हो रही है बिहार के लिए हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये पेपर का जो न्यूज है ना, ये कटिंग, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है। तो इस बात को जरा समझिए, बिहार में भी दोस्तों जो DLED होता है उसका नाम DLED ही है, उत्तर प्रदेश में भी इसका नाम DLED ही है, तो पूरे देश में दोस्तों इसका नाम DLED है। पहले दोस्तों इसका नाम यूपी में आपको पता होगा BTC रखा गया था, अब DLED इसलिए इसका नाम कर दिया गया कि चाहे दोस्तों बात यूपी की हो, बिहार की हो, कहीं की भी बात हो, इसका नाम DLED ही होगा।
तो एक बात आप समझ गए होंगे कि पेपर वेपर दोस्तों नहीं होने वाला है। देखिए 4 अगस्त से द्वितीय वर्ष की परीक्षा ली जाएंगी और 2 वर्षीय डीएलएड करने वालों के लिए अच्छी खबर। तो गाइस ये जो खबर है ना, ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, फिलहाल बिहार के लिए। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है, लेकिन यूपी में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको इससे, ठीक है। तो आपका पेपर की दोस्तों अभी तारीख नहीं आई है, लेकिन जुलाई में दोस्तों देखिए एक अपडेट यही आई थी कि डीएलएड कोर्स में प्रमोट संभव तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ मेंशन किया गया था कि डीएलएड ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें प्रमोट का कोई प्रावधान नहीं है। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह के अंत में कराई जाएंगी और विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम करीब 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि इसमें दोस्तों यूपी से जो अपडेट आई थी हमारी पीएनपी से, उन्होंने ये कहा था कि जो पेपर होगा वो जुलाई माह के अंत तक होगा। अब दोस्तों जुलाई माह के अंत तक होगा, तो वैसे दोस्तों जो ये अपडेट है ना, ये भी जुलाई के अंत की ही तो है, 24 जुलाई, कौन जुलाई का शुरुआत ही है। तो बस उसी से बच्चों ने को रिलेट कर लिया कि हाँ यार ये वाली खबर इससे मैच कर रही है, तो ये ऐसा ऐसा होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्पष्ट हो गया होगा कि अभी तक डीएलएड में ऑफिशियल आधिकारिक कोई भी दोस्तों सूचना नहीं दी गई कि परीक्षा कब से होंगी, इसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। हाँ एक काम कर सकते हैं, हमने कमेंट बॉक्स में, जी हाँ दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से दोस्तों आप जाकर परीक्षा की नई तारीख को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का करने चाहे चाहे थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा की जो डेट शीट आएगी सबसे पहले वही पर रिलीज होगी। और एक बात और, उसके बाद अगर आपको सीटेट का एडमिट कार्ड देखना तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। एक और अच्छी खबर, अगर आप दोस्तों आपके भाई उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं, हाई स्कूल इंटर में अगर आपके भाई बहन है, तो उनका लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया, ठीक है। हाई स्कूल इंटर का अगर आपको रिजल्ट देखना है तो वो भी दोस्तों पॉसिबल है, आज की डेट में सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ढेर सारी अपडेट्स हैं, अच्छी अच्छी खबरें हैं। तो एक बात तो दोस्तों समझ में आ गई होगी आज की वीडियो देखने के बाद कि फिलहाल आप लोग अफवाहों से दूर रहा करिए, अफवाह बहुत फैलती है। लेकिन हाँ जब दोस्तों कोई न्यूज कटिंग आए ना, डीएलएड नाम अगर आप देख ले तो इसको लेकर आप ज्यादा मतलब खुश या दुखी नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि डीएलएड दोस्तों खाली यूपी में नहीं होता। देखिए अगर आज कल आप लोग हमें मैसेज करते हैं तो हम आपसे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि आप यूपी से हैं या नहीं, ठीक है। ये सवाल दोस्तों इसीलिए पूछा जाता है कि जो हमारा कोर्स है बना है वो फिलहाल यूपी डीएलएड के लिए होता है, तो कम से कम यूपी डीएलएड के छात्रों का कोई नुकसान ना हो या दोस्तों किसी अन्य डीएलएड के छात्रों का, क्योंकि सिलेबस उनका अलग हो सकता है, तो फिर यूपी डीएलएड की वीडियोस देखेंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप लोग देखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, फिलहाल जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो देखिए दिल्ली से जो अपडेट आए थे पहले इसको देख लेते हैं कि आपका पेपर हो कब पाएगा, एक्चुअल हम समझेंगे इसको रियलिटी क्या है। नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, हालांकि इस अवधि के दौरान छात्रों के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोलने संबंधी योजना पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके बाद यह करने के बाद मतलब यह फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार संपन्न हुई बैठक में शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का सुझाव दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी योजना बने जो छात्रों को कोरोना के संग जीना सिखाए, ठीक है ना। तो मतलब दोस्तों कोरोना वायरस की एक बार अपडेट तो हमने आज देखी नहीं, चलिए बता देते दोस्तों दुनिया भर में कोरोना को लेकर क्या चल रहा है मामला। अब तक पूरी दुनिया में दोस्तों 98,99,331, जी हाँ दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक दोस्तों ये मामला 99 लाख को पार कर गया होगा, थोड़ा सा बचा है। लेकिन दोस्तों कल तक ये आंकड़ा आपको बता दें 1 करोड़ के पार होगा, जी हाँ दोस्तों पूरी दुनिया में 1 करोड़ केस होने वाले हैं कोरोना वायरस के। 24 घंटे में दोस्तों रिकॉर्ड 1,93,000 नए मामले दर्ज हुए हैं। अकेले दोस्तों यूएसए में, अमेरिका में 24 घंटे में 47,000 नए मामले हैं, ब्राजील में 46,000 नए मामले, रसिया में मामले कम हुए हैं, इंडिया में दोस्तों अकेले 18,000 से अधिक मामले एक दिन में मतलब आ रहे हैं। तो ये दोस्तों नंबर बढ़ रहा है। और देखिए इंडिया में आपको बता दें 24 घंटे में 381 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया भर के दोस्तों हम बात करें तो अब तक 4,96,000 से अधिक लोगों की जान गई है, 24 घंटे में अगले 4,891 लोगों की जान गई है। कुल दोस्तों अब तक तकरीबन आपका 5% डेथ रेट से है, ठीक है। कल दोस्तों ये आंकड़ा 1 करोड़ को टच कर जाएगा, 1 करोड़ केसेस होंगे पूरी दुनिया में और 5 लाख लोगों की, हो सकता है 4,000 समथिंग लोगों की जान गई, तो 5 लाख दोस्तों कल तक हो जाएगा। तो कुछ मिला के मतलब आप ये समझिए कि 1 करोड़ में से 5 लाख लोगों की जान गई है दुनिया भर में। तो मतलब अगर 100 आदमी को कोरोना होता है तो उनमें से 5 लोगों की जान जाना लगभग तय है, कहीं पर ज्यादा हो सकता है कहीं पर कम हो सकता है, लेकिन 5 तो मरेंगे ही मरेंगे,
ये दोस्तों पूरा मामला, लेकिन उम्मीद करते हैं दवा बन जाएगी तो 5 भी बचा लिए जाएंगे। देखिए दोस्तों सीटेट के अपडेट को बता देते कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दोस्तों ये पब्लिक नोटिस जारी हुआ है, ठीक है ना। पब्लिक नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि 5/7/2020 की जो परीक्षा है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अगले दोस्तों अपडेट तक फिलहाल ये परीक्षा तो नहीं हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों ढेर सारी अपडेट्स आ रही है। फिलहाल एक बात आप समझ गए होंगे कि आपका पेपर 24 से नहीं हो रहा है। एक बात और आपको बता दें, 29 जुलाई को दोस्तों प्रदेश भर में प्रस्तावित है बीएड प्रवेश परीक्षा। देखिए आप तो बीएड नहीं कर पाए, लेकिन आप सोचते होंगे यार बीएड कर लिए होते तो ज्यादा फायदा मिलता, टीजीटी पीजीटी बीईओ काफी वैकेंसी में दोस्तों आगे आपको फायदा मिल सकता था, लेकिन चलिए ठीक है। तो क्या अपडेट्स इसको हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश परीक्षा की तिथि 29 जुलाई प्रस्तावित कर दी गई है। इसी के साथ अब केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है। इस बार मंडल में कुल 181 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होगी। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-22 में बीएड दाखिले के लिए 14 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च निर्धारित की गई थी। इस बीच प्रदेश भर से करीब 5 लाख लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य के विश्वविद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारण का जिम्मा सौंपा गया है। प्रयागराज मंडल में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ठीक है यार रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालयों को नोडल बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों चीजें हैं, अब जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। और भी अपडेट के साथ लिए मतलब आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों जितनी भी सही खबरें होंगी ना वो हम आप तक पहुंचाएंगे, तो फिलहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों अभी हम लोग का प्रयास जारी है कि आप लोगों को प्रमोट किया जाए। देखिए दोस्तों सोशल मीडिया सबसे पावरफुल इस समय जगह है, ठीक है ना। आप लोग धरना देते हैं उससे ज्यादा पावरफुल अगर आप सोशल मीडिया पर कोई बात को ट्रेंड करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों वो बात सुनी जाएगी आपकी। क्योंकि इस समय देखिए जो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं ना वो मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आखिर हम पढ़े क्या, देखिए होता क्या, दिक्कतें क्या आ रही हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और आपके स्कूल में सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो गई है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर तो हुआ नहीं है, सेकेंड का आप पढ़ाई कर रहे हैं, पता चले दोस्तों कल को फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो आप इसमें हो जाए फेल, तो सेकेंड का पढ़ा तो सब बेकार हो गया ना, फिर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में एक दो विषय में फेल होगा तो चल गया, लेकिन दोस्तों जहां आप 3 विषय में फेल होते हैं तो ये होती है आपकी सेमेस्टर बैक। तो बहुत से छात्रों की सेमेस्टर बैक लगती है, रिकॉर्ड है दोस्तों, चाहे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आप उठा लीजिए, 54,000 बच्चे फेल हुए थे। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है, लगभग 10,000 बच्चे फेल हुए। तो ये दोस्तों नंबर हर बार बढ़ रहे हैं घट नहीं रहे, तो समझदारी आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। जो ये लॉकडाउन हुआ दोस्तों इससे छात्रों का नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात सबको पता है कि लॉकडाउन में कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर लिया है, ठीक है, सच्चाई जानिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिलहाल देखिए जुलाई में आपका पेपर होना मुश्किल है। 31 जुलाई तक दोस्तों जब दिल्ली में स्कूल बंद हुआ है तो दिल्ली से सटे नोएडा भी आते हैं, गाजियाबाद भी आते हैं, मेरठ भी आता है, ये सब एनसीआर में भी आते हैं आजकल। तो यहाँ पर भी दोस्तों जब कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो भाई सीएम योगी जी को भी एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि यहाँ पर भी सब कुछ बंद कर दिया जाए 31 तक, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जुलाई में पेपर मुश्किल है ये मान के चलिए, अगर होगा तो उसकी अपडेट हम आपको देंगे, ठीक है, ये मत सोचिएगा नहीं होगा। और एक बात और बता दें, आपको पेपर से 15 दिन पहले दोस्तों इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है, जो विस्तृत परीक्षा का कार्यक्रम होगा 15 दिन पहले जारी किया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों जुलाई में भी पेपर होगा ना तो हम 15 दिन पहले आपको बता देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि 15 या 16 जुलाई तक आपको ये बात पता चल जाएगी कि जुलाई में आपका पेपर होगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों 15 में 15 और जोड़ देंगे तो 30 जुलाई को पेपर होगा, तो 15 तक पता चलेगा, 31 को होगा तो 16 को पता चलेगा। तो सारी अपडेट्स दोस्तों हम आपको देंगे, ठीक है, कैलकुलेटेड करके, ऐसा ना हो सोचिए कि आप लोगों को जुलाई में अपडेट्स नहीं मिल पाएगी। जुलाई में दोस्तों पेपर होगा तो जुलाई में अपडेट मिलेगी, और आगे होगा तो आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल आप लोग तैयारियां करते रहिए पेपर की, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।